Hello kids, I hope you are all fine. This is our next session where I'm going to tell you how to use a calendar. ये session parents के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, तो आप सब ध्यान से देखिए. हम बच्चों को months पढ़ाते हैं, महीनों के नाम बताते हैं English में, right? तो अगर आपके घर में English calendar है, means English में written calendar है, तो आपके लिए बहुत helpful हो जाएगा. कैलेंडर्स के ऊपर आपको मंथ का नाम होता है, जैसे यहाँ पे अप्रैल मंथ में आपको शो कर रही हूँ, ए पी आर आई एल, अप्रैल. दिस वे यू कैन हेल्प देम लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ द मंथ्स. एंड बच्चों को नंबर्स बोलना बोर होता है, काउंटिंग बोलना नहीं चाहते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज अ कैलेंडर टू से द नंबर्स. अगर मराठी कैलेंडर है तो आप उनको हिंदी में गिनती करा सकते हैं, और अगर इंग्लिश है तो वी कैन से द काउंटिंग इन इंग्लिश, लाइक वी आर गोइंग टू डू नाउ. We'll start with number one. So you can say that calendar pe number dikhaiye. One. Then you have two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15. 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20. अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब मैंने नंबर्स बोले हैं 13 से 19 तक, तो उसके लास्ट में टीन आता है. ओके, बहुत बार यहाँ मैं देखती हूँ कि बच्चे गलती करते हैं बोलते हुए, कि वो बोलते हैं 12 30 40. दैट इज रॉन्ग. यू हैव टू से आफ्टर 1 to 12, 1 3 13, 1 4 14. हर वर्ड के लास्ट में इन का प्रोनाउंसिएशन आएगा. 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20. देन यू विल रीड द नंबर्स एज 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, and 3 0 30. अब जब भी हम नंबर्स बोलते हैं तो हम उनको सीक्वेंस में बोलते हैं, हम डायरेक्टली 21 22 23 नहीं पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि 21 में पहले 2 आता है, एंड 2 डिनोट्स 20. सो 21. आगे जाके बड़ी क्लास में जब प्लेस वैल्यू सिखाए जाएंगे तो दिस वे काउंटिंग इज गोइंग टू हेल्प देम. ओके, सो विद दिस कैलेंडर यू कैन हेल्प द चिल्ड्रन लर्न द नेम ऑफ द स्पेलिंग्स, नेम ऑफ द मंथ्स एंड द स्पेलिंग्स ऑल्सो. अप्रैल, हेयर यू कैन सी मार्च, मे, एंड सिमिलरली इफ आई टर्न द पेज ऑफ द कैलेंडर आई कैन सी द नेक्स्ट मंथ, दैट इज मे, हेयर MAY, मे. तो आई होप यू विल ऑल यूज द कैलेंडर्स to learn the spellings and name of the months, as well as you can use it for reciting your counting. Kuch parents agar activities karna chahte hain to purane calendar mein se in numbers ko cut kar le aur bachcho ko counting series mein aap arrange karwa sakte hain. Theek hai, I hope this will help you. Thank you very much. Bye.